came here so far from Patna to Bodh Gaya, and we found that the temple is closed. Most of the temples are closed because of lockdown, Corona. जो आप देख रहे हो यही है फल्गु नदी और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं इसको। आप देख रहे हो कितना ही ब्यूटीफुल नज़ारा है, बहुत ही सुंदर दृश्य आप सामने देख रहे हो हमारे। हाय, देखिए हमारा ये मित्र है, ये थक गया। बस 800 मीटर की चढ़ाई करनी है यहाँ पे। एक बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ आपको माउंटेन में, पर हमारा दोस्त थक गया है और हमारा विदेशी जो दोस्त है वो अपने एक और फ्रेंड के साथ बाइक पे पहुँच गया है। क्योंकि बाइक एक ही था और हम लोग थक गए हैं बहुत ही ज़्यादा। और ये हैं हम, नमूना पार्ट 3। आई है हमारा दोस्तवा, बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है भाई, आपको ऐसे दिखाता हूँ, एकदम डायगनली एकदम ऐसा है। सामने आप देख रहे हो हनुमान जी हैं। हमें डर लग रहा है कहीं हमारे मोबाइल ना ले लें। पीछे का दिखा देता हूँ आपको, ले लेते हैं भाई, छीन लेता है फिर भी रख लो। नहीं, बहुत अच्छा है। तो आप देख रहे हैं पूरा पसीना पसीना हो गए हैं। जगह तो है, अब नहीं बुलाए तो छोड़ दो भाई, छोड़ ना यार, चल ना यार, खराब हो जाएगा। और पहुंच गए हैं 1 किलोमीटर, हमारा मित्र थक गया है। और ये आप देख लो, ये शॉर्टकट है कुछ। चलिए, जैसे कि हमारे छोटे भाई पीछे देख रहे हैं, बता रहे थे कि इन्हें कुछ भुवनेश्वरी मंदिर है, देखते हैं क्या है, कौन से माता हैं बुलाई हैं, तो जाएंगे ही क्योंकि सबको नसीब नहीं होता है माता लोग से मिलने का। और हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हो हमारे सांस से भी पता चल रहा होगा कि कितना थक गए हैं, फिर भी जा रहे हैं। जस्ट एज्यूम कीजिए कि हमारी जगह विदेशिया होता तो क्या होता उसका, कहे कि हमारे साथ ही बिहारी है, इसका हालत ख़राब है तो उसका क्या होता। आप देख रहे हो सामने, चलो 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 उठो चलो। वो एक्चुअली मेन रोड है, मतलब कि मेन वे है ऊपर आने का, पर हम लोगों ने एक शॉर्टकट लगाया इन दोनों भाइयों के वजह से और थोड़ा जल्दी पहुंच गया। लगभग 200-300 मीटर का डिस्टेंस कम पड़ा है ये वाली रास्ते से, पर थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। ये हुआ मेन वाला रास्ता, आप देख सकते हो दिख रहा है, कुछ चहल पहल आवाज़ें आ रही हैं कि देख सकते हो। मैं 1000 मीटर से आपको ये दिखा रहा हूँ नीचे का दृश्य, आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और 1 किलोमीटर में चढ़ के आया हूँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, एकदम परफेक्ट खूबसूरत लल्लन टॉप। और हमारा देखिए पसीना से हालत बेहाल है भाई, पर फिर भी जाना है, माता ने बुलाया है तो जाऊँगा ज़रूर, एकदम जाऊंगा। लगभग मैं पहुंच चुका हूं, और आश्चर्य की बात यह है कि यहां पे मेरे को ये वाली मिली, डिस्टेंस मेंटेन करने वाला। वाह, वो जो सामने रास्ता आप देख रहे हो उसी से आए हैं, बहुत ही सुनहरा। और वो सामने देख रहे हो वो रोड है, पर बहुत ही ज़्यादा हार्ट बीट तेज है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इतना ऊपर आकर।
ये मैं अब अंदर जा रहा हूँ और सामने लिखा हुआ है कृपया शांति बनाए रखें, मैं हल्ला ना करूँगा, नो एंट्री। ये आप देखिए दलाई लामा जी हैं, यही बना है ना, तो ये दलाई लामा जी पूरा डोनेट किए हैं इसका वर्सी पीस। बोधी सीढ़ी हमें भी चढ़ना है मंदिर तक पहुंचने के लिए। प्लीज़ टेक आउट शू कौन सा है? तो जैसा हमारा छोटू भाई बता रहा है, ये बुद्ध भगवान का छोटा सा टेंपल है और ग्लास में दिख भी रहे हैं और आपको भी दिख रहे होंगे, पर येल्लो स्केलिस हो गई है, क्लियर नहीं दिख रहे हैं। जैसे हमारा भाई बता रहा है ये नया नया ही बना है अभी, आप देख सकते हैं प्योर रॉक्स माउंटेन। आ जा, देख रहे हो हम लोग अब ऊपर जा रहे हैं, उधर भी चलना है, उधर चलो ऊपर घुमा। शू खोल दिया, मेरे फेस पे देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्वेट चल रही है इस वजह, और यहाँ का भी करेंट वेदर 42 डिग्री सेल्सियस है, सरकार बताएगा। बोलो, कस के बोलो, ये मंदिर है और ये मैं अपना फ़ोन यहाँ रखा और मैं यहाँ बैठ के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए शायद अंदर जाना मना है, राइट है, तो जाए अंदर, हम तो किए कोई बोलेगा नहीं ना। तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी हम यहाँ बैठे हैं और हमारा छोटा दोनों मित्र है बोला अंदर जा सकते हैं, और ये आपको दिखाता हूँ कि कितना छोटा गेट है। ये देखिए इसी गेट से मुझे अंदर जाना है, तो चलिए मैं अंदर की ओर आता हूँ। ये देखिए मैं अंदर आ चुका हूँ और आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये गेट हो गया, यहाँ से शुरू करता हूँ। ये देखिए ये एक तरह से केव है, सामने बैठे हैं, ये देखिए भगवान जी हैं, इंटोनेशन बॉक्स, और ये आप देखिए बहुत ही शांति बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है। ये एक पहाड़ के अंदर बना हुआ है, जैसे कि मेरा आवाज़ भी गूंज रहा होगा, अब बहुत ही अच्छा बना है। ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, बहुत ही एक नंबर परफेक्ट। मैं यहाँ हूँ, पूरा पसीना गर्मी चल रहा है और अच्छा लग रहा है, और ये गेट है आप देख रहे हैं। ये मित्र बताया कि अभी दूसरे देश के हमारे गुरुजी हैं, शायद थाईलैंड के हैं, तो ये गेट बंद पड़ा है, वो जब आएंगे तब ओपन होगा। ये अच्छा कंस्ट्रक्शन है, नेचुरल है। वहाँ पीछे, अच्छा मेरा दोस्त बता रहा छोटा वाला पीछे बाबा जी हैं, पर हमें दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, कौन सा ये। अच्छा चलिए, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इज ओके बट टू मच क्लाइंबिंग हेयर फ्रॉम डाउन टू अप, एंड आई गेट माई फ्रेंड हेयर, ही इज़ वेरी गुड, एंड आई हैव टू बी गिव सम ट्रीट टू हिम। व्हाट्स योर नेम? हिज नेम इज सिस्का एंड हिज नो इंग्लिश ऑल्सो एज वेल एज, and we are here right now, and these all my friend are sitting here. So वहाँ पे जो आप देख रहे हो स्टूल वगैरह, वहाँ पे भूटान के लोग आते थे और चाय वगैरह पीते थे, जैसे कि हमारा मित्र बता रहा है, तो बहुत अच्छा बताया है। अब आप देख रहे हो मैं सू पहन रहा हूँ, देख सकते हो कितना ही अच्छा कंस्ट्रक्शन है, कितना ही रोमांटिक नज़ारा है, और हमारा छोटू आराम से एकदम देखिए बहुत ही परफेक्ट शॉट पीछे की ओर जा रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इजी वे में मैं नीचे जा रहा हूँ। पीछे दोस्त देख रहे हैं यहाँ तक आ गया है, बहुत ही अच्छा परफेक्ट शॉट है, कुछ बोलेगा? ये हमारा छोटा मित्र है, आएंगे दोबारा, ठीक। तो नाम क्या हुआ? शिव, ठीक है, इसका नाम हुआ शिव, और हम लोग यहाँ से अब लौट रहे हैं।
अपने घर की ओर। आप किधर रहते हो? चलिए इधर रहता है शिव, इस जंगल में मंगल करता है। आप देख रहे हो अब, और हम लोग का व्हीकल्स वहाँ लगा हुआ है। तुमको दिया हुआ? They told that do not touch anything. Just go and come back. And I spent almost 30 minutes there. Okay. So, okay friend, I appreciate that you come from a long way, Patna to Gaya. Dadi kuch nahi hai. Excuse me, just open one. Khaiyega anartha. Ek nikal ke. Okay. खाला ठीक है लदा तिला खाई बात करो। ओके बॉस खेला बहुत ही बढ़िया, एक नंबर, एक फोटो खींच, एक नंबर परफेक्ट। This is the happiness. Yes, Paco. Bye bye. राजगीर कितना? 41 किलोमीटर। देखिए सीधा है बिहार शरीफ 27 किलोमीटर, अब बख्तियारपुर 60 किलोमीटर, बख्तियारपुर मत जाइएगा। हरियाली हरियाली देख रहे हैं, ये अभी हम लोग राजगीर में हैं, जो कि पहला ये कैपिटल था नानंद का, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का। सब पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए साइकिलिंग भी है, उसी से ज़्यादा मस्ती से एक्सप्लोर किया जा सकता है। फिलहाल अभी हम लोग रोपवे के पास जा रहे हैं, देख रोपवे चल रहा है कि नहीं। वैसे भी रोपवे तो बंद हो जाता है 5 बजे, देख लेते हैं। इधर से निकलना है पटना, ये मिस्टेक मत कीजिएगा जिधर जाए उधर जाने का। देख रहे हैं अभी हम लोग एरियल रोपवे वॉलंटियर्स पीक और घोरा कटोरा डैम बर्ड सेंचुरी में आए हैं, और विश्व शांति स्तूप के पास आए हैं। ये ग्री फर्स्ट कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड धनानंद, दिस द ग्रेट किंग इन इंडिया। मेरे सामने वो देख रहे हो वही रोपवे है। बाई दस बाई डेट वे वी हैव टू बी रीच द टेम्पल, वहाँ से एक मंदिर पे जाने का रास्ता है। रोपवे का जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ है। तो देख रहे हो वाइट वाला, वहीं से ये रोपवे काम करता है। फैसिलिटी अवेलेबल इन रोपवे, एवरीथिंग इज क्लोज्ड, एवरीथिंग। आप देख रहे हो सब कुछ क्लोज्ड है। द वेरी बिग मैकेनिज्म बाय दिस डेट रोपवे विल
work. You can look. आप देख रहे हो. Thing is closed here because of the COVID-19. Yes. And this one is the ropeway. We have to be pay for 80 rupees, and then we have to be go the one temple is there. Do you think same price for Indian and foreigner? 80 rupees. No, I think for you may be different, but for us 80 rupees. Because I didn't see different. I only saw 80. Yeah, other. No, in poster you cannot find anything, but when you go to counter, they will be recognized and they will be give you different one. Sir, के साथ कहा जा रहा है कि आए थे बहुत सारा चीज घूमने के लिए. पर कुछ घूम नहीं पाए क्योंकि सब कुछ क्लोज है यहाँ पे. एवरी थिंग क्लोज. अभी हम लोग राजगीर में हैं. वन ऑफ द ग्रेट टूरिस्ट प्लेस फॉर फॉरनर और एवरीवन, बट एवरी थिंग इज क्लोज हेयर राइट नाउ. इतना अच्छा व्यूज है, आप देख सकते हो हमारे सामने. अच्छा ब्यूटीफुल हवा चल रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि जन्नत में आ गए हैं. बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है. Like a very beautiful and yeah. Some sound is coming like yeah. A very good. So I'll remove the mask because yeah. I want to pray. Yeah. Okay, boss. I thought it was okay. Yeah. No, this is zero. Yeah. We reached. Rao, we are on the way to Swarn Bhandar. So there is the deer park. Can look right, look thoda bus seedha kar left kar lo. This is the Son Bhandar. It means lots of gold is here. I don't know now it's there or not, but in previous time lots of gold is here. Look, monument. Archaeological Survey of India, Patna Circle. लॉक है, आप देख सकते हो. मतलब कि सारा कुछ ही लॉक है, कुछ भी ओपन नहीं है. अभी जो है हम सोन भंडार के पास हैं. दिस इज द पांडू पोखर, इट्स ऑलरेडी क्लोज, आप देख सकते हो. चलो गेट ऑफ द जापानीज temple, but it's already closed. I think it's already previous time it's open because it's written without marks not entry, but now it's closed. And you can look, it's a very big statue and everything written in Japanese. आप जो सामने देख रहे हो ये राजगीर अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र है, राजगीर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सेंटर. Everything is closed here, nothing is open. क्या 97 क्यों? चलिए ना बताते हैं. अरे बिहार पूरी गाने के साथ सुनते हुए मनोरंजन करते हुए अपने रास्ते की ओर निकल पड़े हैं हम लोग. हम लोग ये सोचकर निकले थे अपने घर से कि बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे, पर सब कुछ बंद है. हमें लगा था कि अनलॉक 4 की वजह से ओपन रहेगा, पर ऐसा कुछ भी ना हुआ. एवरीथिंग इज क्लोज. तो हम लोग निकल चुके हैं अपने घर की ओर. बाइक है बस कर. दिस इज द हनुमान मंदिर.